दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन से मुलाकात की। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे। स्टालिन के साथ ही एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने आज दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा की, यह अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने आश्वासन दिया कि डीएमके आप और दिल्ली के लोगों के साथ खड़ी रहेगी। केजरीवाल कल यानी 2 जून को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मुलाकात करेंगे। आई हैव कम टू सीक द सपोर्ट ऑफ ऑनरेबल सीएम ऑफ तमिलनाडु एंड हिज पार्टी डीएमके दैट व्हेन दिस बिल कम्स इन पार्लियामेंट इन स्पेशली इन राज्यसभा this bill should be collectively defeated as it is undemocratic against the federal structure, it is unconstitutional. Together all of us should defeat this bill. And I'm very grateful, sir, for he has extended all support to us. When this bill comes, DMK, he has assured us that DMK will stand by Aam Aadmi Party elected government in Delhi. The DMK will stand by the people of Delhi and they will help us in defeating this bill. They will vote against this. इस दौरान तमिलनाडु की सीएम ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हमारे अच्छे मित्र हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और आपकी सरकार पर उपराज्यपाल के जरिए दबाव बनाए हुए हैं। हमने अन्य नेताओं से भी बात की है और मैंने अपील की है कि सभी केजरीवाल का समर्थन करें। स्टालिन ने कहा कि दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश का द्रुमुख पुरजोर विरोध करेगी। लोकतंत्र की रक्षा के लिए गैर भाजपा शासित राज्यों का समन्वय जारी रहना चाहिए। दरअसल केंद्र ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और दानिक कैडर के अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के उद्देश्य से हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया था। यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली में नवनिर्वाचित सरकार को पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित मामलों को छोड़कर अन्य मामलों का नियंत्रण सौंपने के बाद लाया गया था। अध्यादेश जारी किए जाने के 6 महीने के भीतर केंद्र को इसकी जगह संसद में एक विधेयक पेश करना होगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आम आदमी पार्टी को इस मामले में समर्थन दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इस मामले में केजरीवाल को समर्थन दिया है। केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मिलने का समय मांगा है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर।